अगर किसी 8 साल का है, भाषी भाई 10 साल की MBBS किया, MD किया हुआ है, और उसके बाद आने के बाद उसे प्रश्न की बात बोल रही है, तो लोग क्या कहेंगे? अगर कि तुमने जिंदगी के बहुत कीमती वक्त है वो तुमने MBBS करने लगाया और तुझे प्रश्न की बात करने में क्या जरूरत है? तो इल्म को बहाना बनाने के लिए पहली चीज है अमल। अमल होगा तो आपकी जबान के अंदर की बहुत तासीर होगा। आप जो बात कहेंगे वो दिल से अंतिम फेज और बढ़ती फेज होगी, दिल से निकले की दिल। तो ये तय कर लीजिए कि आप जो ये माजिर है उस पर अमल। आप अपने आप से कह दीजिए, अपने अल्लाह को गवाह बना के और इस्तकामत की दुआ। आम तौर पर ये वक्त ऐसा होता है कि इसमें कोताही हो जाती है, नमाजों की कोताही। अगर आप आज से बाजमार नमाज के आदि नहीं होंगे तो कल जब आप अपनी जिंदगी बनाएंगे तो आपको अंदाजा रखे कि आपको किन रब्त तकलीफ का सामना करना पड़ता है। आप से जो तवक्कात आपके घर वालों ने, आपके खानदान के लोगों ने, आपके वालिदैन ने वाबस्ता किए, वो दो चीज़ों की कि मेरा बच्चा आलिम बन कर रहा है, आलिम बामल बन कर, और बामल होने के लिए ये भी ज़रूरी है कि नमाज बाजमात की बात, ये तो दुनिया नहीं होती, क्योंकि आगे आपको उस मसीह को सहारा देना है, आपको उस सबको की तरबियत करनी है। तो ये चंद चीज़ें हैं कि जिस पर तवज्जो करने की ज़रूरत है, और मैं यकीन रखता हूँ आज आप ऐद करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह मदद भी आएगी और आप